हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज जो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूं, यह संबंधित है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। जी हां, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो 130 उद्यान पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती होनी है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ। तो अमर उजाला न्यूज़पेपर के अनुसार उद्यान विभाग में 130 पर्यवेक्षकों की सीधी भर्ती पर संशय होने से कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया टाल दी है। अब यह क्यों टाली है? क्योंकि यह कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण की प्रक्रिया के चलते विभाग ने चयन आयोग को पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को वापस लौटाने को कहा है, जबकि इन पदों के लिए अभ्यर्थी 3 साल पहले ही आवेदन कर चुके हैं। विभाग ने वर्ष 2016 में पर्यवेक्षकों के 130 और उद्यान विकास वर्ग 2 के 47 पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे थे और हम में से बहुत से लोगों ने इन जो फॉर्म्स को है भरा था और लगभग प्रदेश भर से करीब 6,000 अभ्यर्थियों ने पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन 3 साल बाद बीत जाने के बाद भी इन पदों की लिखित परीक्षा नहीं हो पाई है। और इस बीच मतलब पिछले 3 सालों में कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के कारण जो उद्यान विभाग है, उद्यान विभाग ने आयोग को पत्र लिखकर पर्यवेक्षक के पदों को वापस करने को कहा है। तो यह जो अभी भर्ती प्रक्रिया है, यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रक्रिया फिलहाल टाल दी है और हो सकता है यह जो भर्ती है यह प्रक्रिया शायद रद्द हो जाए। तो दोस्तों, ये तो प्रक्रिया रद्द हो गई, लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो आप सभी ने भरा हुआ होगा, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में आपकी पोस्ट निकली हुई है, इसमें हमारी जो वीडियो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है। इसमें एक वीडियो पहले आ चुकी है और इसमें मैं और मेरी टीम आप लोगों को सीधा तैयारी करवाएगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा, ऐसे ही अपडेट लाता रहूँगा। तो आप, मुझे आशा है कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।